हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है, सोल और एनसीबैप के ऐसे स्टूडेंट, सोल के बॉयज़ और गर्ल्स और एनसीबैप की ओनली गर्ल्स स्टूडेंट, जिन्होंने अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया था ओपन बुक एग्जामिनेशन से जून के महीने में, और वो अपने रिजल्ट के लिए काफ़ी वेट कर रहे थे। तो एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्योंकि कॉलेज अपडेट्स आपको सिर्फ एक ओरिजिनल न्यूज़, एक ऑथेंटिक न्यूज़, एक सच्ची खबर ही आप तक पहुंचाता है, एक सच्ची इन्फॉर्मेशन ही आपको शेयर करता है। वरना कॉलेज अपडेट्स आपसे कोई ऐसी अपडेट नहीं देगा जो सच ना हो, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए मैं आपको कई सारे रास्ते बताऊँगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर आप जो न्यूज़ बताते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं रिजल्ट को लेकर अगर मैं आपको बता रहा हूँ या अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों होगी, एक बार बताइए। फिर हमारा फ़ायदा ही क्या है आपको इन्फॉर्मेशन देने का? हमें ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम प्रोफेसर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है। और कई न्यूज़ चैनल है, कई आर्टिकल है जिनसे हम आपको शेयर करते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी द्वारा जब उनकी वेबसाइट पे आ जाता है तो वो ऑफिशियल हो जाता है, ठीक है। तो वो ऑफिशियल कब तक आएगा वो हम आपको जानकारी देते हैं, ठीक है। तो कभी ये मत बोला कि ये, कई स्टूडेंट को मैंने देखा है कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, उसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए, हमने ही सबसे पहले वीडियो बनाई कि सेकेंड फेज के एग्ज़ाम होंगे, लेटर लिखा गया है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसी लेटर को ऑफिशियल कर दिया, और फिर ये अखबारों में भी आ गई, न्यूज़ में भी आ गई, द हिंदू में भी आ गई। तो कहीं ना कहीं हमें जहाँ से हमें सूत्रों से जहाँ से हमें पता चलता है, तो थोड़ा उसको माना कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी और भी यूट्यूबर है, और भी आप चैनल देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि ओनली आप हमारे चैनल देखो, ठीक है। तो मैं तो बस ये चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट छूट ना पाए जिसको कोई ऐसी न्यूज़ से जिनको प्रॉब्लम हो। चलो, ये बात तो रही ऑथेंटिक होने की। अब ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि थर्ड ईयर के जो आपके एग्ज़ाम कराए गए थे ओपन बुक एग्जामिनेशन से, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में सबसे बड़ा डाउट यही है कि सोल के रिजल्ट कब आएंगे, एनसीबैप के रिजल्ट कब आएंगे। क्योंकि हमें जॉब करनी है, हमें एडमिशन लेना है, हमें एमए करनी है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। तो सबको कोई ना कोई काम है, पर उन्हें रिजल्ट चाहिए SOL का। तो रिजल्ट कब तक आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी रिजल्ट को लेकर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेगुलर वालों के ऑलमोस्ट 99% रिजल्ट आ चुके हैं। अब मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। क्या गुड न्यूज़ है वो भी मैं आगे वाले आर्टिकल में। तो उससे पहले जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि कॉलेज अपडेट्स आपको सबसे पहले अपडेट देता है रिजल्ट को लेकर, ठीक है। अब देखना, अब मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। कई स्टूडेंट तो ऐसे जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे जो हमसे जोड़े हुए फिर भी वो कमेंट बॉक्स में उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि देखिए, आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो, एक ही बात है, ठीक है। हम हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। और अब देखिए, अब अपडेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, आपका SOL और NCF का रिजल्ट कब तक आएगा। अब देखिए, ये हम जो अखबार है उसमें छपा हुआ एक आर्टिकल है, द हिंदू में भी आपको मिल जाएगा, अमर उजाला में भी मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के सभी फाइनल रिजल्ट जारी हो चुके हैं। देखिए, पहले इस हेडलाइन को आप देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के सभी फाइनल रिजल्ट जारी हो चुके हैं। यानी रेगुलर वाला अगर स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो आपका कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं बचा है जो रह चुका हो, सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं रेगुलर वालों के, फाइनल ईयर वालों के, ठीक है। तो अब वो रिजल्ट कैसे चेक करना है, सिंपली आपको जाना है duresult.in पर जाना है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। दिल्ली के एग्जामिनेशन ब्रांच ने इस बार सिर्फ 28 दिनों में UG फाइनल ईयर सेमेस्टर के 73 कोर्सेज के रिजल्ट जारी कर दिए है। यानी 28 दिन के, यानी एक महीने के अंदर इन्होंने सारे फाइनल ईयर के सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के, यानी रेगुलर वालों के रिजल्ट जारी कर दिए। बहुत अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
वरना पिछली बार तो रेगुलर वालों का जो रिजल्ट था वो उनका नवंबर में आया था। जी हाँ, नवंबर में आपका रिजल्ट 28 अक्टूबर को आया था और वहीं एसएल वालों का रिजल्ट जनवरी को आया था। आप सोच सकते हो, अब सबसे पहले इन्होंने रेगुलर वालों का रिजल्ट निकाला। ऐसा क्यों किया? क्योंकि रेगुलर में स्टूडेंट कम है, ठीक है, और रेगुलर वाले फीस देते हैं। फीस तो एसएल वाले भी देते हैं पर रेगुलर वाले थोड़ी ज़्यादा फीस देते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। वो इनके रतन है और आप नहीं हो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, एसएल वाले भी है कहीं ना कहीं। तो अब देखिए, अब मेन चीज़, डीयू के डीन एग्जामिनेशन प्रोफेसर डीएस रावत ने बताया, ये एग्जामिनेशन से हमारे जो एग्जामिनर है हमारे, कि बीए के सभी कोर्स के रिजल्ट अब आ चुके हैं, मतलब रेगुलर के सारे रिजल्ट आ चुके हैं। इनके साथ साथ डीयू के सभी यूजी कोर्सेज के रिजल्ट एग्जामिनेशन ब्रांच ने रिकॉर्ड टाइम सिर्फ 28 दिनों में घोषित कर दिए है। अब हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, देखिए अब आपके कॉलेज का नाम आ चुका है एसओएल समेत बाकी रिजल्ट पर काम कर रहे हैं, यानी एसओएल के रिजल्ट के ऊपर अब काम हो रहा है। जब इन्होंने 28 दिन के अंदर फाइनल ईयर का रिजल्ट निकाल दिया, जिसको एक हफ्ता हो चुका है आए हुए, अब उसी दिन से इन्होंने सोल के रिजल्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो जल्द ही इन्हें जारी किया जाएगा और 75 पीजी प्रोग्राम के भी रिजल्ट आ चुके। अब ये बात रही इनकी तरफ से। अब आपके डाउट है कि एसओएल का रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, रिजल्ट चेक होना स्टार्ट हो चुके एसओएल और एनसी वेब के। अब कई गर्ल्स स्टूडेंट के कहेंगी कि सर इसमें एनसी वेब का नाम नहीं, क्योंकि एसओएल के अंदर ही इन्होंने एनसी वेब को कंसीडर कर लिया है, मतलब इंक्लूड कर लिया है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, जैसे एसओएल का आएगा वैसे ही एनसी वेब का आ जाएगा, ठीक है। तो एसओएल का जो रिजल्ट है वो आपको अगस्त में ही देखने को मिल जाएगा, ये कन्फर्म है। अब आपको अगले साल तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, ना दिवाली का वेट करना पड़ेगा, ना ही आपको अगस्त सितंबर लास्ट वीक तक का वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट आपको अगस्त के दूसरे हफ्ते से तीसरे हफ्ते यानी लास्ट अगस्त देखने को सारे रिजल्ट एसओएल के मिल जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रिजल्ट एक एक करके निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में इन्होंने सारा रिजल्ट जारी कर दिया। पहले एसओएल वालों का, हॉनर्स वालों का रिजल्ट आएगा, उसके दो से तीन दिन बाद फिर बीए प्रोग्राम का एक रिजल्ट आएगा, फिर बीकॉम का आएगा, इसमें ही एक से दो हफ्ता लग जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका रिजल्ट आने के बाद भी उनको शो नहीं करेगा, ऐसा भी होगा। देखना, रिजल्ट आने के बाद कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम भी दिया होगा, उनकी एब्सेंट लगा दी होगी, जिनकी ईआर लगा दी होगी, उनके लिए क्या होगा? इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मार्कशीट में आपके पास आता है या पेंडिंग आता है या क्या आता है, डिपेंड करता है एसओएल कैसे मार्कशीट को चेक कर रहा है। बाकी रिजल्ट आने तक का वेट करना होगा। रिजल्ट के लिए मैंने बता दिया, चाहे एसओएल हो एनसीएफ के हो, अगस्त के सेकंड हफ्ते यानी अगस्त के लास्ट हफ्ते तक आप वेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट पहले हफ्ते में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, रिजल्ट की कोई डेट नहीं होती, क्योंकि अगर रिजल्ट की डेट हो गई तो फिर तो ये सीक्रेट रहा ही नहीं। रिजल्ट की डेट सिर्फ 3 से 4 मेंबर को पता रहती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे होते हैं। बाकी अगस्त में ही आएगा, ये तो कन्फर्म हो चुका है, ठीक है। वेट कर लीजिए, लेट हो सकता है क्योंकि एसओएल में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लाखों में पढ़ते हैं, ठीक है। और अब बात रही कि सर सेकेंड फेज का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में बता देता हूँ। सेकेंड फेज का एग्ज़ाम होगा, अगस्त में होगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसका रिजल्ट अलग निकाला जाएगा, पहले इनके आने के फिर उसका निकाला जाएगा, क्योंकि वो लेट होगा। तो वो तो कम ही स्टूडेंट होंगे, 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट होंगे जिन्होंने नहीं दिया होगा या जिन्होंने एक आधा पेपर मिस हो गया होगा। वो गाइडलाइंस लगी, मैं आपको बता दूँगा, एग्ज़ाम आपका होकर जाएगा सेकंड फेज का, अगस्त में होगा, ठीक है। तो बस ये छोटी सी अपडेट मुझे आपको देनी थी। बाकी फर्दर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हमने रिजल्ट की डेट देख ली तो हमारा काम हो गया। रिजल्ट आने के बाद भी ऐसा ना हो, रिजल्ट में आपकी कोई दिक्कत हो, फिर आप भटकते रहो कि क्या करो क्या ना करो, ठीक है। क्योंकि हम इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा, कॉलेज अपडेट्स के द्वारा ही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, कोशिश हमारी यही है कि हर स्टूडेंट को डिग्री मिले, इसी साल मिले, ठीक है। बाकी आज फिर इसमें, और आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको शेयर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं खुद से बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी आज फिर इसमें, थैंक यू सो मच।